सबसे मुश्किल तमाशा घर का टास्क जो मुझे लगा, टास्क जो लगा वो था 24 आवर वाला टास्क, जिसके अंदर हम लोगों को, मुझे स्पेशली इन्विजिलेशन करनी थी, मुझे देखना था, और मैं ऑपोजिट टीम के अंदर थी जो मैं देख रही थी। उसके अंदर मुझे लग रहा है कि मुझे जो इमोशनल ट्रॉमा मिला था, दैट वाज एब्सर्ड। मतलब उसके अंदर हमें इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, हर तरह से हम लोगों को चैलेंज मिल रहा था, और वो पूरी रात ऐसे गुजर रही थी जैसे कोई नाइटमेयर है। हम भूखे प्यासे हैं और हम लोगों को तो फिर भी खाना मिल रहा था, लेकिन बाकी सबकी हालत देखकर भी वो इफेक्ट कर रही थी हमारे जहन को, और बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। तो मेरे लिए, मेरे नजदीक 24 आवर वाला जो टास्क था वो सबसे मुश्किल था। अच्छा, सबसे बड़ा फर्क जो मुझे अब लगता है, क्योंकि वोटिंग जब मैंने देखी और उसके जो रिजल्ट्स आए हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि परसेप्शन जो बाहर लोग परसीव कर रहे हैं वो बहुत अलग है, और जो हम लोगों को जिस तरीके से समझ पा रहे हैं वो बहुत अलग है। क्योंकि जो लोग, मुझे लग रहा है, पॉजिटिव हैं और जो अच्छा खेल रहे हैं, वो ऑडियंस को मे भी मुझे लग रहा है कि उस तरह से शायद दिखाया नहीं जा रहा, या वो देख नहीं रहे, क्योंकि कुछ लोग बहुत पॉजिटिव हैं और कुछ लोग इतने नेगेटिव हैं जो कि नजर ही नहीं आ रहे, क्योंकि इतनी वोटिंग जब लोगों को जा रही है, तो फिर आई एम शुक। और अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि मतलब ऑडियंस और कैसे वोटिंग हो रही है। तो आप लोग प्लीज गेम में हर एक बंदे को इक्वली देखें, और देखें कौन कितना ज्यादा आकर प्रिटेंशियस हो रहा है, क्योंकि इधर लोग बहुत प्रिटेंड कर रहे हैं और असल में कुछ और है। रिग्रेट उस तरह से मुझे कोई नहीं है, बिकॉज मुझे लगता है कि आई प्लेड वेल, मैंने बहुत अच्छे दोस्त बनाए, बहुत अच्छा टाइम गुजारा। लेकिन थोड़ी सी अपने बारे में जो मुझे रिग्रेट है वो ये है कि मैं थोड़ा इमोशनल हो गई। जिस तरह से मेरी लास्ट गेम थी, उसके अंदर मैंने दोस्ती को प्रेफरेंस दे दी, मैं बड़े आराम से वो टास्क जीत रही थी, लेकिन वहां पे मेरी दोस्त जो थी उसने अगर मुझे थोड़ा सा इमोशनल होकर दिखाया, तो मैंने वो उसको जेल में ही नहीं डाला। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि मुझे अपनी इमोशनल साइड थोड़ी सप्रेस करनी थी, और गेम को गेम की तरह ही खेलना था, क्योंकि मुझे भी सोचना चाहिए गेम ही तो है। 5 मिनट के लिए कोई अगर जेल जाएगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ठीक है, रिग्रेट ये है कि बस दोस्ती ठीक है करें, लेकिन गेम को गेम की तरह खेल। मुझे लग रहा था कि मुझे 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 अपने आप के बारे में काफी अच्छा पता है, और मैं वेल इन्फॉर्म्ड हूँ, माइंडफुल हूँ अबाउट माई सेल्फ। लेकिन अब जाके मुझे लगता है कि मैंने एक इतना बड़ा, मेरे लिए लर्निंग एक्सपीरियंस था, और ये लाइफ टाइम मेरे साथ रहेगा। बी एट फूड स्कार्सिटी, बी एट गेटिंग टू नो पीपल, लोगों की जजमेंट, ये सब, और खास तौर पे लोगों की जजमेंट, जो कि मुझे लगता है कि मुझे लोग परखने में थोड़ा सा, मुझे लगता है कि मैं उतने अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाती। और अब यह है कि काफी आंखें खुल गई हैं, जो जैसे दिख रहा होता है वो वैसे नहीं होता। तो आपको काफी अपना टाइम लेना चाहिए किसी को दोस्त कहने के लिए, या किसी को ये समझना कि ये मेरा हमदर्द है, क्योंकि अक्सर लोग लगता है कि वो हमदर्द है, लेकिन असल में वो अपना कोई बेनिफिट आपसे ले रहा होता है। टॉप 3 कंटेस्टेंट्स, प्रिडिक्शन एक अलग बात है, और दिल आपका जो करता है वो एक अलग बात है। तो मेरा दिल और प्रिडिक्शन दोनों अगर मिला दूं, तो मुझे लगता है शहरयार, क्योंकि वो बहुत अच्छी गेम खेल रहा है और वो फेयर है, वो जहाँ पे स्टैंड लेना होता है वो स्टैंड लेता है, और मुझे उसके टास्क, हर टास्क में वो बहुत अच्छा खेलता है। तो एक शहरयार, दूसरा मुझे लगता है अकील। अकील भी बहुत अच्छा खेल रहा है, और वो जिस तरीके से एंटरटेन कर रहा है लोगों को, वो मुझे लगता है कि बड़ा वेल डिजर्विंग है, क्योंकि वो अगर कैमरा अगर है तो उसको कैमरा प्रेजेंस, उसको पता है कि किस तरह से लेनी है, और वो एंटरटेन, एक्चुअली मैं उसकी वजह से बहुत हंसी हूँ पूरे पूरे शो में। तीसरा मानी भाई, मानी भाई बहुत जिंदा दिल है, और उनका भी यही अगर एक फैक्टर है कि वो एक कमेडियन है और वो कॉमेडी करते हैं, तो एक्चुअली, और उनका दिल बहुत साफ है, और मैंने उनको देखा है कि गेम एक तरफ और जो उनका दिल साफ है वो उसको भी साथ साथ लेकर चलते हैं। गेम में गेम
और गेम के अंदर भी जाके कहीं ना कहीं वो भूल भी जाते हैं कि ये गेम है, और वो अपनी तरफ से लोगों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं. तो आई लव हिम, उनकी एनर्जी कमाल है, और इस एज में ये एनर्जी होना आई थिंक कमाल बात है. तो ये तीन लोग हैं और मैं चाहती भी हूं कि इनमें से कोई एक जीते. अगर मुझे वापस एज अ वाइल्ड कार्ड मौका मिलता है तो डेफिनेटली मैंने जो अपनी बड़ी दोस्ती और इमोशनल साइड थोड़ी ऊपर रखी थी उसको मैं स्नैप डाउन करूंगी और गेम को गेम की तरह खेलूंगी. और जहां पे मुझे लगेगा कि स्टैंड लेना है अपने लिए, जो कि मैंने पहले भी लिया, जहां पे लड़ाई थी मैंने लड़ाई की है, लेकिन जहां पे मैं सोच रही थी कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, तो मैं उसमें भी लूंगी. क्योंकि मुझे अब नजर ये आ रहा है कि गेम को सिर्फ गेम की तरह खेलो, क्योंकि इन दी एंड ना कोई दोस्त काम आता है, ना कोई आपके वहां पे कोई एक्वेंटेंस काम आता है. जब बचने की बारी आती है कोई किसी का नहीं सोचता, तो मानो परवेज आप भी बच जाओ.